लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारत को मिला दूसरा एबी डिविलियर्स, जाने कब होगा टीम इंडिया में शामिल। आज हम आपसे बात विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बताएं तो एबी डिविलियर्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। जी हां, ये खबर बिल्कुल सत्य है, जिसे सुनने के बाद यकीन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। एबी डिविलियर्स आईपीएल के 11वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु टीम की तरफ से एबी डिविलियर्स का जमकर रनों की बरसात कर रहा था, उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि एबी डिविलियर्स इतनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। एबी डिविलियर्स की उम्र 34 वर्ष की है और इन्होंने 34 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है, जिसके कारण साउथ अफ्रीका बोर्ड और इनके फैंस में निराशा की लहर दौड़ गई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत को क्रिकेट जगत का दूसरा एबी डिविलियर्स आईपीएल 2018 सीजन 11 के दौरान मिल चुका है। जी हां, हम आपसे बात जिस बल्लेबाज के बारे में कर रहे हैं, इसका नाम ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को दूसरे एबी डिविलियर्स के रूप में पहचाना जाने लगा है। ऋषभ पंत ने आईपीएल सीजन 11 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 65 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 128 रनों की पारी खेली थी, जिसमें इन्होंने जमकर चौकों छक्कों की बरसात की थी। लेकिन इस पारी के दौरान खास बात ये रही थी कि इन्होंने एबी डिविलियर्स की तरह इनोवेटिव शॉट लगाए थे, जिस तरह के शॉट लगाना बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बड़ी आसानी से इन शॉट को लगाया, जिसके बाद इनकी तुलना एबी डिविलियर्स के